कट की कैसे बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ तो नीचे हमारा यह कॉपी हो जा रहा है, फिर से कंट्रोल डी करूँगा तो कॉपी हो जा रहा है। इसको कैसे बनाएंगे, की को कंट्रोल प्लस टी को, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जाना पड़ेगा कीबोर्ड शॉर्टकट में, यहाँ पे जाना पड़ेगा। देखिए मैंने कॉपी लाइन डाउन के लिए मैंने कंट्रोल प्लस टी बनाया हुआ है। यहाँ पर आप एडिट करके कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे आपको मांग रहा है। अगर मान लीजिए अगर मुझे ऑल्ट प्लस डी बनाना है, अगर इसको करके मैं एंटर कर दूंगा तो जब मुझे अब यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे अगर मैं ऑल्ट प्लस डी करूंगा, ऑल्ट प्लस डी तो कॉपी हो जाएगा ऑल्ट प्लस डी, क्योंकि शॉर्टकट की मेरा क्लियर हो गया है। फिर चेंज करना है, फिर यहीं पर जाएंगे कीबोर्ड शॉर्टकट की पे, यहाँ पे जाने को ऑल्ट प्लस टी है, फिर यहाँ पे चेंज कर दिए, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे कंट्रोल प्लस टी करिए। कंट्रोल प्लस टी करेंगे क्या होगा, कॉपी जो कॉपी हो जाएगा टेक्स्ट होगा। फिर यहाँ पे इंटर प्रेस कर दीजिए, इंटर प्रेस करने कंट्रोल प्लस टी हमारा होगा, एक शॉर्टकट की बन गया है। ओके फिर यहाँ पे जब जाएंगे, यहाँ पे हम फिर कंट्रोल प्लस टी करेंगे तो कंट्रोल प्लस टी हमारा ऑप्शन आ जाएगा, फिर ये खुल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।